भाई रेफरी डिसीजन लास्ट डिसीजन दोनों टीम इस बात को मान लें सुन लें और इस बार टच आउट करने में कामयाब। मोहित वालीबाल आजमगढ़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तरकश की हर तीर को आसमाना चाह रहे हैं चमके साथ इसमें से सर्विस आसिफ के हाथों से लगातार दो पॉइंट हासिल किया है। डालना पड़ेगा अब्दुल्ला इस बार जरा सा सोलो सर्विस किया संभाल लिया गया और लवली स्मैश बाय सईद आला पांच नंबर ये किया स्मैश बहुत ही प्यारा स्मैश किया। आज नहीं तो कल उनका भी बड़ा बॉल बाल होने वाला है। खराब सर्विस की गई 2-0 का स्कोर एक तरफ खाई एक तरफ काटा है किस तरफ जाएंगे ये देखा जाएगा और ये शक्ति लेकिन वहां पे दबाए गए और फिर इस बार बहुत सी लंबाई का पूरा फायदा उठाया और जिल्वा और ये अब्दुल्ला अब अपने ले में टीम आ रही है शोएब क्लब प्रमोट जाएगा फाइनल इसके बाद फाइनल खेला जाएगा तो अब देखा जाए किस तरह से अपने खेल को दिखाएंगे और ये हल्का सा ड्रा चाहा लेकिन वहां जिल्वा ने संभाल लिया और ये अब्दुल्ला लेकिन आप देख रहे हैं कि अंडर नेट है अंडरनेट कर बैठे सभी चेंज हुई 0-3 के स्कोर में काउंट किया अच्छा लगा दर्शक भी आए और एक पड़ता फिर 10 नंबर अच्छा वहां पे डिफेंड किया गया आसिफ के द्वारा और हल्का सा क्रॉस पहुंचा क्रॉस किया जिल्वाब ने संभाला और ये आए सईद आलम लेकिन दबाए गए वहां पे एक पड़ता फिर अब्दुल्ला को आप जा रहा फिर अब्दुल्ला वही गलती करते हुए अंडरनेट नतीजा ये हुआ पॉइंट मिला 1-3 और ये जबरदस्त मुकाबला है यहाँ पे एक गलती बहुत भारी पड़ने वाली है टीम को और ये मोहसिन लवली स्मैश लेकिन अच्छी सर्विस अपनी टीम के लिए कर रहे हैं अच्छी सर्विस किस सही तरीके से और फिर बैक से डेढ़ बोला क्या कोचरस सही डाला जहां से उभरना चाहा वहीं पे बिल्कुल दबा दिए क्लब बमोर 4 और उसके मध्य मुकाबले टकराता है 4-1 का स्कोर और ये लहराती हुई सर्विस सही तरीके से फिर वहां पे ओ सैद आए 2 नंबर जो दिन के लगे थे शाम के लगे रात भर भी लगे हैं और लोग धीरे धीरे नजर नहीं आ रहे हैं और इस बार यहाँ पे 4 का स्कोर 2-4 का स्कोर खेल को दिखाएंगे अच्छी सर्विस बड़ी खूबसूरत सर्विस थी सही तरीके से और ये एक मतलब फिर मैं देख रहा हूँ कि एक पॉइंट लेने में कामयाब 3-4 कुछ नींद में है फैसल खान लेकिन आंख खुली है दिमाग कहीं और है मैच सोच रहे हैं कि देख लूं और एक और पॉइंट 4-4 का स्कोर मैं कह रहा था कि दोनों टीम बिल्कुल बराबर की है बिल्कुल बराबरी की दोनों टीमें हैं और ये अब्दुल्ला डेड ब्लॉक किया पहुंच से और वहां पे 5 नंबर पहली बार लीड ले रहा है कटराटा इस मुकाबले में 5-4 का स्कोर पूरी खूबसूरत सर्विस थी और ये अब्दुल्ला टच का चक्कर था लेकिन यहाँ पे नतीजा ये हुआ कि सर्विस चेंज हुई 4-5 के स्कोर पे संभाल लिया गया और फिर बार ओसैद लेकिन संभाला 13 नंबर अब्दुल्ला को आजमाएंगे हल्का सा ड्रॉप दिया लेकिन फिर वहां पे संभाला कर दिया सानी के साथ और ओसैद वन सेकंड सक्सेसफुल हैंड बाय हर तक रह जा एक मत पक्के लवली स्मैश पूरी कोशिश की लेकिन इस बार वहां पे मैं देख रहा हूं कि कामयाब नहीं होने दिया और सच्चाई कुछ कुछ इसमें है क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि एक मौका फिर अब देखा जाए और फिर अच्छे अंदाज में अपने काम को अंजाम दे रहे हैं 10 नंबर हल्का सा और बार एक दूसरे को देखते रह गए 5-5 दोनों टीम का स्कोर हुआ बराबर 5-5 और फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं टच आउट कराने में कामयाब 5-5 वाजिद की सर्विस अच्छा पास वहां पे और किसी तरह से फिर यहाँ पे देखा जा रहा है कि ये अब्दुल्ला का नतीजा ये हुआ लीड लेके चल रहा है यहाँ पे कटराटा वाजिद की अच्छी सर्विस थी सही पास बिल्कुल नहीं मैं कहूंगा और ये अब्दुल्ला हल्का सा क्रॉस किया लेकिन वहां पे आसिफ अब आजमा रहे हैं 14 नंबर को लेकिन वहां पे अच्छा ब्लॉक किया गया 7 नंबर और मोहसिन के द्वारा 5-6 का स्कोर सही तरीके से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे तेज प्रहार जरूर किया और नतीजा ये हुआ कि यहाँ पे सर्विस चेंज 6-5 के स्कोर पे दूसरा ब्लॉक खेला जाएगा उसी से और ये बड़ी अच्छी सर्विस थी सही तरीके से आप देख रहे हैं वहां पे मोहसिन आए तेज प्रहार किया वो मनोवैज्ञानिक लाभ मिलेगा साइकोलॉजिकल एडवांटेज में आ जाएगी वो और फिर वहां पे आप देख रहे हैं 6-5 का स्कोर छठी सर्विस कर रहे हैं अपनी टीम के लिए लहराती हुई सर्विस
अच्छा बहुत सौ क्यों वहाँ पे हल्का सा कुछ जरूर किया था लेकिन कामयाब ने उन्हें दिया और आए वाजिद कामयाब हुए। अब डेढ़ अगर चार पांच पॉइंट जो डिस्ट्रिक्ट के पास मिल गए शुरुआत में वो टीम मजबूत हो जाएगी, लेकिन ये इसमें कोई बहुत जरूरी भी नहीं है कि जो पहले जीतेगा वही सेमीफाइनल जीतेगा। और इस बार वहां पे अच्छा ब्लॉक एक पॉइंट मिला 6-7 फिर लगातार टीम सिर्फ जीत कर टूर्नामेंट जीती थी केरला की टीम फरहान कारण जो ऑल इंडिया वॉलीबॉल टूर्नामेंट हुआ था। तो फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक और अवे एक और पॉइंट 7 बराबर तैयार अब्दुल्ला चम के साथ बड़ी अच्छी सर्विस थी वहां पे अच्छा पास किया गया है और डेढ़ ब्लॉक वहां पे मोहसिन अकेले सही तरीके से अपने खेल को दिखाने की पूरी कोशिश और एक मत और शक्ति को यहां पे शक्ति देना जरूर चाहे सरकार पॉइंट हासिल करे टीम कंटिन्यू सर्विस कंटिन्यू पॉइंट और बार सही पास नहीं मिला है फिर भी शक्ति को ही आजमाया जा रहा है तो मोहसिन किसको आजमाएंगे सही तो बड़ा खराब तालमेल था वहां पे और इस मरतबा आप देख रहे हैं एक और पॉइंट 10-7 जबकि साथ अब्दुल्ला की ये स्मैशिंग सर्विस अच्छा पास कहा जाएगा वहां पे और ये आए डेढ़ ब्लॉक अब ब्लॉकिंग चलने के लिए है यहां पे शोएब क्लब बमोर की के आएगा कटराटा अपने मुकाबले में और दूसरा सर्विस और फिर बार वहां पे जिम्बाब ने संभाल लिया नतीजा ये हुआ अब्दुल्ला हल्का सा क्रॉस किया फिर संभाला किसी तरह से और इस बार बहुत ही खूबसूरती के साथ आप देख रहे हैं कि बचाव किया गया और एक मरतबा फिर लब भी प्रत्याशी हैं असगर से और इस बार सईद आलम इस बार 11-7 के स्कोर पे तैयार होते हुए सर्वर एक मरता फिर प्रिय बहुत अच्छी सर्विस थी सही तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पे और फिर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत ही और फिर इस बार वहां पे दबाए गए लेकिन अच्छा रिबाउंड वहां पे किया और फिर मोहसिन टच आउट करने में कामयाब हो गए सर इसको चेंज करने में कामयाब 11-7 के स्कोर पे जिम्बाब्वे की सर्विस लहराती भी अच्छी सर्विस थी सही तरीके से आप देख रहे हैं वहां संभाला किसी तरह संभाला गया है और इस बार आप गलती कर बैठे हैं कुछ लोग देख रहे हैं और मोहसिन एक अच्छा हाथ फिर सर्विस को चेंज करने में कामयाब ये जबरदस्त आवाज भी आई थी एक पॉइंट भी मिल गया यहाँ पे दो सेट जीतेगी उसे पांच में जगह मिल जाएगी तो कौन दो सेट होगी क्या सेट दो सेट होगा या तीनों सेट होगा ये देखा जाएगा लेकिन पहले सेट में हावी नजर आ रही है टीम शोएब क्लब बमोर 7-12 का स्कोर बड़ी अच्छी सर्विस थी और फिर वहां पे आप देख रहे हैं कि मोहसिन एक अच्छा प्रहार जरूर किया मैंने बाल का पूरा फायदा तो नहीं मिला और इस तरह से ये नेट चार्ज किया गया वो सेट का लंबा काफी लंबा इसमें जो एक ओवर में 28 रन भी दे बैठे क्रिस लिन ने शायद 28 रन बनाया था उनके ओवर में और एक मतलब फिर आप देख रहे हैं और ये फोर हैंड का इशारा और फिर बार वहां पे अब्दुल्ला दबाए गए तो यहाँ पे लगातार मैं देख रहा हूँ कि 13 का स्कोर बहुत खतरनाक होता है अक्सर मैंने देखा है कि 13 पे रोक कर अगली टीम मैच जीती है तो क्या करेगी यहाँ पे पहली आसिफ का अच्छा पास और एक मरतबा फिर सर्विस को चेंज कराने में कामयाब करके जा दिया अपनी मंजिल की तरफ गामजन होने के लिए अब्दुल्ला बहुत अच्छी सर्विस थी उसे संभाला गया शक्ति के द्वारा अब और लंबा क्रॉस किया कामयाब हुए और हल्के से सर्विस अच्छा पास किया गया और ये मोहसिन लेकिन बार फिर संभाल बड़ी आसानी के साथ और ये हल्का सा जरूर ड्रॉप किया था कि अब्दुल्ला ने संभाल लिया अब देखा जाए 3 नंबर हल्का सा ड्रॉप किया लेकिन फिर वहां पे अच्छा डिफेंड आ जाएगा और लंबा क्रॉस किया अब एक सुनहरा मौका है टीम के पास और वहां पे फिर क्रॉस किया था लेकिन कामयाब नहीं होने दिया और इस तरह से अब पिच आउट का इशारा हुआ तो ये छह अंदाज से मैं देख रहा हूं कि अपने और हल्का सा ड्रॉप दिया इस बार कामयाब है 13-9 के स्कोर पे और बड़े अच्छे अंदाज से मैं देख रहा हूं कि यहां पे
फिर इस बार वहां पे पूरी कोशिश की। अब 9-13 का स्कोर, सोच समझ के अपने खेल को दिखाना पड़ेगा दोनों टीम को। और अपने अच्छे अंदाज में देख रहा हूँ कि ये अनटेंडेड और अपने आप से नाराज जरूर हुए। तक रहता है 10 पे वहीं पे सैयद क्लब महोर अब्दुल्ला की जंपिंग सर्विस और हमेशा हामिद पहला सेट पहले सेट में। और ये देखिए हमेशा सही डाला जी महोर हो गए सर्विस पे और ये हमेशा आसिफ और हमेशा हामिद बढ़िया डिफेंस और ये शहीद आलम और ये बाल को क्या किया इशारा आया हमेशा हुसैन के लिए हल्का सा ड्रॉप दिया जब यह जारी कि कौन इस सेट को जीतता है। और ये हमेशा मोहसिन वहीं पे दबाए गए और ये अब्दुल्ला टच आउट कराने में कामयाब रहे। चेंज का सिलसिला जारी है और ये सख्ती के लिए इशारा आया और बाल को डाउन देने में कामयाब रहे। और वहीं पे दबाए गए दूरिया नजदीकियों में तब्दील होती है और ये मिशन 2 पॉइंट का है 2 पॉइंट की लीड है। और इस तरह से गुलबाप का निजी पॉइंट इस तरह से ना फोर्टी लास्ट बॉल और इन्हें चार्ज किया गया मिस्टर सैयद का इस तरह से सेट को अपने फेवर में कर लिया शोएब क्लब महोर ने।